महेश नवमी उत्सव 2023 में सभी माहेश्वरी परिवार की अभूतपूर्व उपस्थिति के साथ भगवान महेश का अभिषेक एवं पूजा अर्चना बड़ी धूमधाम से की गई। इस तपती गर्मी में भी हमारे माहेश्वरी बंधुओं ने रक्तदान की 26 यूनिट रक्त दिया। यह कार्य आशीष गांधी की देखरेख में किया गया। महिला मंडल द्वारा ग्रामीण रुग्णालय में फल वितरण एवं शीतल पेय वितरण का कार्य किया गया। भव्य शोभा यात्रा मदन मोहन भवन से होते हुए रेलवे स्टेशन चौक, नगर परिषद गांधी चौक, डॉक्टर गणेश जी चांडक के यहाँ से होते हुए वापस श्री मदन मोहन भवन पहुंची, जिसमें झांकी की सुंदर प्रस्तुति में शंकर भगवान तथा पार्वती की भूमिका में गिरिराज मालपानी एवं श्वेता मालपानी थे। दूसरी झांकी में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर एवं शिवलिंग का अभिषेक था, जिसमें पंडित जी की भूमिका में केशव जावंधिया ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई। साथ में शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर ठंडा जल का शीत पेय की व्यवस्था की गई वहां पहुंचकर रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें सर्वप्रथम महेश वंदना स्वागत गीत की प्रस्तुति महेश चांडक एवं शेखर पनपालिया द्वारा दी गई। भगवान महेश जी की पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर गणेश चांडक द्वारा समाज को संबोधन किया। हम महेश्वरी और हमारी विशेषताएं, समाज पर गर्व, समाज की एकजुटता एवं देश के लिए हमारी जवाबदारी एवं कर्तव्य निष्ठा पर भी उन्होंने जोर दिया। इसके पश्चात रंगारंग कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका मंच संचालन समर्थ टावरी एवं गोविंद चांडक द्वारा किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा अतिशय सुंदर नृत्य, बहुमंडल एवं नवयुवती मंडल द्वारा एक नाट्य प्रस्तुति, आशुतोष के अंश में क्षत्रिय से वैश्य के माहेश्वरी कैसे बने की अतिशय सुंदर प्रस्तुति की गई, जिसे रीना जावंधिया एवं सारिका टावरी द्वारा दी गई। इसमें मुख्य किरदार किरण चांडक एवं पूनम पनपालिया और नाटिका में सभी अपनी भूमिका की कार्यक्रम की सफलता के लिए माहेश्वरी समाज के सभी लोगों ने प्रयत्न किया। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, पुलगांव।